आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, मैं अन्नपूर्णा सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास वी डिस्कस दैट व्हाट वी हैड लर्न इन प्रीवियस वीडियो। इन प्रीवियस वीडियो वी हैड लर्न सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल थिंग्स एंड और हमने क्या पढ़ा, सम डेड सी के बारे में पढ़ा और कौन सी ऐसी चीज है जो सिंक हो जाती है और कौन सी ऐसी चीजें जो फ्लोट करती है। तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में इसे कवर किया है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर से जो हमारा जो कुछ टॉपिक रह गया है, दो तीन टॉपिक है, वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारा ये जो चैप्टर है 7, आज इसी वीडियो में इसी क्लास में एंड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई हैव सम क्वेश्चन, विल यू प्लीज टेल मी। ओके सो टेल मी दैट have you ever seen that your mother made some papad, some pickle at your home? Then why she put the thing in the sun? क्या आपने कभी अपने घरों में देखा है कि आपकी जो मदर होती हैं कुछ पापड़ या पिकल बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो चीज है, वो जो पिकल और पापड़ को धूप में क्यों रखती हैं? Why she kept the things in the sun? ऐसा क्यों करती हैं? बताइए, कभी आपने सोचा है, कभी आपने देखा है? सो फ्रेंड्स, आप अपनी मदर से पूछिएगा कि मॉम, व्हाई डू यू कीप द थिंग्स इन द सन, क्यों ऐसा करती हैं आप? तो चलिए, वो ऐसा इसलिए करती हैं फ्रेंड्स कि वो जो थिंग्स होते हैं, पिकल होते हैं, पापड़ होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ मॉइस्चर होते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हम उसे धूप में नहीं रखेंगे तो उसकी जो मॉइस्चर होती है उसके कारण ये जो चीज है वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि खराब हो जाएंगे और हम उसे खा नहीं सकते हैं, हमारा मटेरियल सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी जो नमी है वो धूप में ड्राई हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो हमारा जो चीज है लॉन्ग लास्टिंग चलता है और सेफ रहता है। ओके, ऐसा रीजन है। आप अपनी मदर से जरूर पूछिए कि ऐसा क्यों करती है वो। सो फ्रेंड्स, टेल मी वन मोर क्वेश्चन दैट हैव यू एवर सीन एट योर होम दैट व्हेन यू पुट अ वाटर पॉट and you kept the water pot on the flame and after 5 to 10 minutes what happened? क्या आपने कभी अपने घरों में किया है या देखा है कि कोई आप जो वाटर पॉट होता है या जो पॉट वाटर से भरा हुआ है उसको अगर हम फ्लेम पे रखते हैं, उसको हम लोग फ्लेम पे रखते हैं तो 5 से 10 मिनट बाद क्या देखते हैं, उसमें जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो कैसे उसमें जो लिक्विड होता है उसके साथ क्या होता है? तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो लिक्विड होता है या फिर वो वाटर ही है उस पॉट में, तो वो लिक्विड 5 से 10 मिनट में क्या होता है कि इवेपोरेट हो जाता है और वेपर का रूप ले लेता है। यानी कि द वाटर, जैसे सपोज दैट कि हमने एक वाटर लिया है, हमने एक पॉट में वाटर लिया है और इसे हमने फ्लेम पे डाला है, ठीक है, रखा है, तो क्या होता है कि इसका जो हम 5 से 10 मिनट बाद क्या देखते हैं, इसमें जो वाटर होती है बच्चों वो वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लगती है। जैसे देखिए किस तरह से वाटर ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, तो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है ये लिक्विड और इसमें जो कुछ थोड़े से लिक्विड बच जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी हमने देखा कि एक जो फ्लेम जल रही है नीचे से, इसकी जो वाटर है वाष्प के रूप में कैसे ऊपर जाने लगता है, यानी कि कोई भी जो लिक्विड होता है कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, गैस के रूप में कन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम कुछ पानी लेते हैं बर्तन में, उसे फ्लेम पे रखते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो लिक्विड होता है गैस के रूप में कन्वर्टेड हो जाता है। तो वेयर डिड द वाटर गो, वाटर कहाँ जाती है? तो क्या होता है, द वाटर इवेपोरेट एंड टर्न इंटू वेपर। क्या होता है कि वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और वाष्प का रूप ले लेता है, भाप का रूप ले लेता है और ऊपर की ओर धुआं जैसा आपको लगेगा कि उड़ रही है। तो आप इस चीज को आप घर में भी नोटिस कर सकते हैं। आप एक पॉट लीजिए, उसमें वाटर डालिए और उसे फ्लेम पे रखिए और आप उसका फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो हाई कर दीजिए, जिससे क्या होता है, जिससे होता है कि उसमें जो वाटर जो होते हैं लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इस चीज को जरूर देखिएगा अपने घरों में। सो फिर इसी से रिलेटेड एक डांडी मार्च के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए, डांडी मार्च क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, टॉपिक है डांडी मार्च।
डांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे कि डांडी मार्च है क्या, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसके पीछे रीजन क्या थी। तो देखिए बच्चों, डांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 को हुआ, यानी कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ डांडी मार्च। इसे किसने स्टार्ट किया, तो इसे महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, ऐसा क्या रीजन हो गया था भाई कि ये मार्च करना पड़ गया। तो देखिए उस टाइम जो क्या था बच्चों, हमारा जो जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश जो थे एक लॉ बनाए, एक नियम बनाए, कानून बनाए। उसमें क्या था कानून में, उसमें ये था कि कोई भी पर्सन खुद से नमक नहीं बना सकता है, यानी कि ब्रिटिश मेड लॉ, नो वन कैन मेक द सॉल्ट देमसेल्फ, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन क्या होगा, कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बनाएगा। और ऊपर से ब्रिटिश ने उस पर टैक्स भी लगा दिए नमक पे। तो बताइए कि एक तो नमक बहुत महंगी मिल रही है, ऊपर से टैक्स लगा है, और आप बनाने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो नमक के बिना कुछ हो सकता है किसी का, यानी कि कोई भी खाना बनाते हम लोग तो उसमें नमक का मात्रा हो तभी वो टेस्टी लगता है खाना। अगर विदाउट नमक हम कोई भी खाना बनाएंगे तो उसमें उसका टेस्ट पता चलेगा नहीं ना, टेस्टी भी नहीं रहेगा खाना। तो लोगों ने क्या किया कि इस चीज से तंग होकर, बहुत ही परेशान होकर उन्होंने एक मार्च स्टार्ट किए, उन्होंने इसके प्रति, इसके लॉ के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट भी, एक अगेंस्ट में क्या किया, एक मार्च, यानी कि एक आंदोलन छेड़ा, वो डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। और ये डांडी मार्च गांधी जी के सहयोग से, गांधी जी के साथ बहुत सारे ऐसे जो लोग थे उन्होंने इनका साथ दिया। और ये मार्च कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, तो ये मार्च जो था बच्चों, गांधी जी, ये मार्च जो था अहमदाबाद से डांडी सिरसौरी गुजरात तक, यानी कि अहमदाबाद से डांडी तक की यात्रा में इन्होंने लंबी यात्रा तय की, इसके लिए पैदल चल के लंबी यात्रा तय की अहमदाबाद से लेकर डांडी तक, जो कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और वहां जाकर महात्मा गांधी ने जो समुद्र के किनारे से जो वाटर था उसको कलेक्ट किया और उसके नेचुरल वे में उसे क्या किया, नमक का रूप दिया, यानी कि नमक उसे प्राप्त किया। तो कैसे नमक उन्होंने प्राप्त किया, तो क्या किया उन्होंने कि द सी वाटर इज कलेक्टेड इन द शैलो बेड्स डग इन द सैंड, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, आफ्टर द वाटर ड्राई द साल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। क्या किया उन्होंने कि वाटर, जो सी का जो वाटर था उसको पहले स्टोर किया, फिर उसके बाद धूप में उसे सूखने दिया, जिससे क्या हुआ बच्चों कि वो जो वाटर था वेपर होके ऊपर उठने लगा, वाष्प बन के गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर की ओर उड़ गया, जिससे उसका जो, उसमें जो नमक की मात्रा थी, नमक जो थी नीचे बैठ गया। जिस तरह से उन्होंने नेचुरल वे में, यानी कि समुद्र के जो पानी था उससे नेचुरल वे में नमक तैयार किया, और इसी के अगेंस्ट उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था। तो इसे ही हम लोग डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा जो डांडी यात्रा थी, अहमदाबाद से डांडी तक का यात्रा था जो गुजरात में है। तो बच्चों देखिए किस तरह से महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा जो लॉ जो बनाया था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव जो लॉ था ब्रिटिश के थ्रू, इसे इन्होंने तोड़ा है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो था यही पे एंड होता है, और इसमें हमने पढ़ा कि कैसे कोई लिक्विड होता है, गैस के रूप में फॉर्म होता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है, और डांडी मार्च के बारे में हमें जो इस टॉपिक में दिया गया था उसको हमने आज कवर किया। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको सही में पसंद आया तो प्लीज दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको रियली आप एंजॉय किए तो आप, अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से, इस सेशन से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।